हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं होंडा एकॉर्ड जो कि मॉडिफाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी के जो अलॉयज वगैरह है वो थोड़े से चेंज है, मतलब छोटे मोटे मॉडिफिकेशन है, बट उससे इस गाड़ी की जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एकॉर्ड देख लेना, ये 2008 मॉडल है और ये जो गाड़ी है मतलब काफ़ी अच्छे फैन बेस के साथ आती है। इस गाड़ी की जो लुक्स है वो आप देख सकते हैं। वैसे इससे पहले वाला मॉडल भी यहाँ पे है तो ये भी आप देख सकते हैं, और ये जो ये इसका बाद में का मॉडल है। अभी तो खैर इंडिया में ये गाड़ी नहीं आती है, बट वो टाइम पे जब ये गाड़ी आती थी ना, सारे अमीर लोगों के पास ये गाड़ी रहती थी क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की होंडा की कार थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के अलॉयज़, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स के अंदर आपको जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अलॉयज़ ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो ये 17 इंचेस के अलॉयज़ मिलते हैं और इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कमाल की दिखती है। कलर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो काफ़ी डिफरेंट शेड है ये और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। फ्रंट लुक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी किट इस गाड़ी के ऊपर जो लगा हुआ है, आगे पीछे जो इसका बम्पर है वो चेंज हो रखा है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये जो हेडलैम्प्स देख रहे हैं ना, ये भी थोड़ी सी चेंज है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर जो DRLs वगैरह दिख रही होगी और ये भी जो है स्मोक कर रखी है, तो इससे भी इस गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी मतलब एनहांस हो जाती है। और कंप्लीट यहाँ पे आप देखोगे मतलब छोटे से मॉडिफिकेशन करके भी ये गाड़ी इतनी ज़्यादा कमाल की दिख रही है। अगर कोई बड़ा मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के ऊपर कर देता है ना तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल ही बन जाती है। और चलने में भी काफ़ी मस्त है गाड़ी। वैसे ऊपर यहाँ पे आप देखो तो इस गाड़ी के अंदर जो है सनरूफ भी है, और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ना मतलब छोटे मोटी चीज़ें हैं। बाकी तो पीछे से एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। साइड लुक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जो ये स्कर्टिंग्स वगैरह लगाई है साइड में। और पीछे से अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ये है गाड़ी की पीछे से लुक। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है स्मोकिंग कर रखी है, मतलब यहाँ पे जो ये थोड़ा ब्लैक कलर का जो टिंट लगाया है टेल लैम्प्स के अंदर, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पे भी आप देखोगे थोड़ा सा जो लिप स्पॉइलर लगाया है, यहाँ पे भी जो ये छोटा सा लिप स्पॉइलर लगाया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाहर से ये कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। अगेन पीछे का जो बम्पर है ये चेंज है, और ये जो एग्जस्ट है इसके अंदर जो मफलर लगा है तो इससे जो एग्जस्ट की साउंड है वो भी काफ़ी मस्त बन जाती है। तो एक बार आप गाड़ी का एग्जस्ट भी सुन लेना। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है तो बहुत सारे लोग लेने के लिए डरते हैं। एक बार आप फिर से गाड़ी की साइड लुक देख लेना, और अंदर भी वैसे कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, बस इस गाड़ी का जो इंटीरियर है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर रखा है। सो यहाँ पर आप वो चीज़ देखोगे कि जो सीट्स है वो थोड़े से सिर्फ चेंज है, इंटीरियर किस तरह का आता था इस गाड़ी का वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों कुछ यही मॉडिफिकेशन है। अगर आपको भी आपकी गाड़ी के ऊपर मॉडिफिकेशंस करवाने हैं, अगर आपको भी कोई एक एकॉर्ड लेनी है और उसके ऊपर इस तरह के मॉडिफिकेशंस करवाने हैं तो काफ़ी मस्त दिखती है गाड़ी, आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। बट एक चिंता है माइलेज की, तो गाड़ी जो है काफ़ी कम माइलेज देती है, अराउंड 7-8 का ही कुछ तो माइलेज देती है। पेट्रोल गाड़ी है और होंडा की है, काफ़ी पावरफुल इंजन है और ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आता है। यही कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।